देखिए जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चल रही है कोरोना के समय में, ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा मजदूर और किसान प्रभावित हुआ, 15 करोड़ मजदूरों की नौकरियां चली गई, ऐसे समय में मजदूरों को मदद की आवश्यकता थी सरकार से, लेकिन सरकार ने उल्टा क्या किया। हिमाचल की सरकार ने जो 5 कानून है, जो सबसे प्रमुख कानून है 44 कानूनों में से, औद्योगिक विवाद अधिनियम है, फैक्ट्री एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, न्यूनतम वेतन का कानून है, इन 5 कानूनों पर अध्यादेश ला दिए। कैबिनेट के अंदर बैठकर कुछ लोग जो हैं 10-12 लोग जो हैं मिलकर एक पूरे मजदूरों पर हमला करने की कोशिश करते हैं और राज्यपाल की संस्तुति से उसको एक अध्यादेश बना देते हैं। ऐसे समय में जब मजदूरों की नौकरियां जा रही हैं, आप शिमला की बात मुझे याद है, आपने एक स्टोरी की थी पर्यटन के उद्योग पर, आपको खुद मालूम है कि शिमला के अंदर बीचों बीच ही इस वक्त जो है कम से कम 10,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसे समय में कहां मजदूरों को मदद देनी चाहिए थी, और ऐसे समय में मदद न देकर मजदूरों के खिलाफ ही कानून बना दिए, जो फिक्स टर्म का रोजगार है उसको ला दिया, कहां स्थायी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब फिक्स टर्म का रोजगार जहाँ चल पड़ेगा उसमें अपने आप ही बहुत सारे कानून जो है उससे उसके दायरे से मजदूर बाहर हो जाएगा। फैक्ट्री एक्ट की जो सेक्शन 5 है, जो धारा 5 है, वो स्पष्ट कहती है कि कभी भी किसी भी कानून में अध्यादेश या नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे परिवर्तन नहीं किए जा सकते। उसमें कहा है केवल पब्लिक एमरजेंसी का मतलब है कि अगर कोई जो बाहर का मुल्क हमारे देश पर हमला कर देता है, या हमारे देश में कोई सिविल वॉर हो जाता है, या कोई जो इस तरीके की एमरजेंसी लग जाती है, उसी समय में इन कानूनों को बदला जा सकता है। लेकिन ये सारे कानून जो सरकार ने बदल दिए और अमीरों के पक्ष में ये कानून कर दिए, ये बड़ी विडंबना है। हिमाचल की सरकार आज भी हिमाचल में मजदूर के वेतन को, न्यूनतम वेतन को जो है वो महंगाई सूचकांक से नहीं जोड़ती है। आज भी पूरे देश में सबसे कम वेतन हिमाचल में मिलता है। आज भी हिमाचल के अंदर आंगनबाड़ी, मिड डे मील और जो आशा वर्कर हैं उनको सबसे कम तनख्वाह मिलती है। आज भी हिमाचल के अंदर जो ठेका मजदूर है उसकी दुर्गति है। आज भी हिमाचल के अंदर जो मनरेगा का मजदूर है, जो निर्माण का मजदूर है, उसका कल्याण बोर्ड में पंजीकरण नहीं होता है। ऐसे समय में कहां सरकार को मदद करनी चाहिए थी और कहां जो है इस सरकार ने पूरे कानूनों को बदल दिया है अध्यादेशों के जरिए। और ये अपने आप में विडंबना है कि शायद हिमाचल विधानसभा में, जब से हिमाचल विधानसभा का गठन हुआ है, आज तक कभी भी ऐसे 5 अध्यादेश मजदूरों के खिलाफ नहीं लाए गए। तो कुल मिलाकर जो है मालिकों से मिली भगत है, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से मिली भगत है, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। और आने वाले समय में अभी 23 तारीख को पूरे देश के अंदर इन श्रम कानूनों के मसले पर, जो कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जा रहा है 50 साल के बाद या 30 साल की सर्विस करने के बाद, उस मुद्दे पर जो पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है उसके खिलाफ 23 तारीख को पूरे देश में जो लाखों लाख मजदूर जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और इस बात का जो है विरोध करेंगे। निश्चित तौर से हम शुरू से कह रहे हैं ये एक आपदा है जिसको सरकार ने अवसर बनाया है अमीरों के लिए। केंद्र की मोदी सरकार ने जो तमाम कानूनों में परिवर्तन कर दिया है, जो 44 श्रम कानून है उसके खिलाफ जो 4 लेबर कोड लाने की बात कही गई थी उसको जो है मोदी सरकार आनन फानन में पारित करना चाहती है, और इसी तरीके से हिमाचल के अंदर अध्यादेश लाकर जो है मजदूरों पर हमला करना चाहती है और अमीरों को जो है उद्योगपतियों को फायदा देना चाहती है।